हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ड्राई कोकोनट और केवल 2 कप दूध से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे, तो इस मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 300 ग्राम सूखा नारियल लेंगे। नारियल को हम इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर हमें नारियल के बुरादे का यूज़ नहीं करना है, तो सारे नारियल को हम इसी प्रकार से काट कर तैयार कर लेंगे। तो सारे नारियल को हमने काट लिया है, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और पीस लेंगे। पीसते समय मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाते हुए इसे पीसना है। तो नारियल को हमने पीस लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो इस प्रकार से नारियल को हमने पीस कर तैयार किया है, अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम चीनी। जितना हम नारियल लेंगे उससे आधी हमें चीनी लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी को हमें लगातार चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मेल्ट होने के बाद चीनी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तुरंत इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। दूध के डालते ही चीनी कड़क हो जाएगी, तो हमें इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट में ही चीनी दूध में अच्छे से घुल जाएगी। इस प्रकार से चीनी को मेल्ट करके फिर दूध डालकर मिठाई बनाने पर इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दो से तीन मिनट में ही सारी चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम दूध को 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर उबलने देंगे। 8 से 10 मिनट में दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 8 से 10 मिनट दूध को हमने उबाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे नारियल जो हमने पीस कर रखा था। नारियल को अब हमें अच्छे से दूध में पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो लगातार इसे हमें चलाते रहना है और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो गया है और पेन भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इस मिठाई का टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे और पका लेंगे। तीन से चार मिनट बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पेन भी अच्छे से छोड़ने लगा है और एक डो के रूप में इकट्ठा हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए टिन को हमने तैयार करके रखा है। टिन में थोड़े से कटे हुए पिस्ता डालेंगे और अब हम इसमें बर्फ़ी का मिश्रण डालकर उसे सेट करेंगे। आप इसे थाली में घी लगा कर भी सेट कर सकते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके कॉर्नर्स को अलग कर देंगे ताकि निकालते समय ये आसानी से निकल जाए। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए सेट होने देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं। 2 घंटा सेट होने के बाद अब हम इसे निकालेंगे, पेपर को भी निकाल देंगे और अब हम इसे कट करेंगे। बहुत ही आसान और बिना मावा डाले इस प्रकार की मिठाई को आप आसानी से घर पर कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और माउथ मेल्टिंग ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। इस बर्फ़ी को आप बनाकर फ्रिज में रखकर 10 से 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।